बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम चिकन अल्फ्रेडो स्पैगेटी में बनाएंगे। बहुत ही मज़े का बनता है, बड़ी क्विक सी रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। 300 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन बारीक बारीक स्ट्रिप्स में काट लिया है। नमक ऐड किया है मैंने इसके अंदर, क्रश चिली ऐड की है इसके अंदर मैंने 1/2 टीस्पून, मिक्स हर्ब्स मैंने इसमें ऐड किए हैं थोड़े से, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, गार्लिक पाउडर 1/2 टीस्पून इसमें ऐड किया है मैंने, 2 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने सोया सॉस ऐड किया है और इसको हम मिक्स करेंगे। बिल्कुल थोड़ी सा मैंने पेपरिका पाउडर इसमें ऐड किया है, इसको हम 10 मिनट के लिए रख दिया था मैरिनेट करके। अब बिल्कुल 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है, ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, उसके अंदर हम चिकन पका लेंगे। इतना हम पकाएंगे कि चिकन हमारी फुल कुक हो जाए। 5 to 8 मिनट में हमारी चिकन तैयार हो जाएगी, ये बहुत जल्दी, क्योंकि छोटे छोटे पीस हैं इसके, बहुत जल्दी बन जाएगी बोनलेस कटी हुई है। चिकन हमारी ऑलरेडी डन है। अब हम पास्ता बॉईल कर लेते, स्पैगेटी बॉईल कर लेते हैं। देखिए पानी मैंने खोल के रखा है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल ऐड किया है और नमक ऐड किया है। ऑयल इसलिए ऐड कर देते हैं ताकि जो है चिपके नहीं है। अब इसके अंदर मैं स्पैगेटी ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा हिला देंगे ताकि आपस में जुड़ ना जाए, आराम से अलग अलग रहेंगे। फिर आप एक दो दफ़ा हिला देंगे इस तरह से, तो आपके ये स्पैगेटी नहीं होंगी, हो गई है हमारी। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून बटर, थोड़े से मैंने गार्लिक फाइन चॉप करके रखे थे ऐड किए हैं इसके अंदर, हल्का सा सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे कि बटर जो है फिर जल जाता है। मशरूम मैंने थोड़े से काट के रखे थे, उसको ऐड किए मैंने। सारी चीज़ें हम सिर्फ सौते करेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना होता है चाइनीज़ में। 1/2 मैंने कैप्सिकम बारीक बारीक काट के रखी थी, उसको ऐड कर रही हूँ मैं। बहुत ही मज़े का बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 पैकेट मैंने पूरा क्रीम का इसमें ऐड किया है, 200 ml का। बहुत रिच और बहुत ही मज़े की बनती है ये। अब इसके अंदर मैं क्रश चिली ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून, नमक ऐड किया है मैंने, ब्लैक पेपर मैंने ऐड की 1/2 टीस्पून इसके अंदर, बेजल लीव इसमें ऐड किए, आपको फ्रेश मिले तो आप फ्रेश डाल लें। अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1/2 लीटर अभी ऐड करूँगी, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो और मिल्क ऐड कर लेंगे, और इसको हम जल्दी जल्दी चलाएंगे ताकि इसके अंदर लम्स ना हो। इस तरह से अब ये देखें, थोड़ी मोज़रेला चीज़, थोड़ी चैडर चीज़ मैंने बराबर से रखी है। चैडर चीज़ से हमारा टेक्स्चर इसका बहुत ज़्यादा रिच होगा, क्रीमी होगा, और मोज़रेला चीज़ से थोड़ा सा इसमें वो बहुत ही मज़े का लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छे से मेल्ट हो जाए हमारी चीज़ इसके अंदर और ये हमारा पक भी जाए। अब ये चिकन मैंने ऐड करी है इसके अंदर, बस इतनी है। आप हम इसके अंदर स्पैगेटी ऐड कर रहे हैं, आप नूडल्स बिल्कुल एंड में ऐड करें, बस सिर्फ हम मिक्स करके और इसको इस तरह से हमारी अल्फ्रेडो स्पैगेटी बिल्कुल हमारी डन है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा, थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर क्रश चिली और बेजल लीव का स्प्रिंकल किया है इसके ऊपर, थोड़ा सा बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए।